नमस्कार आज सकाल समस्त स्वागत तेरे समग्र देश में एक कोटी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन उपभोक्ता भल खबर आबे खबर टी देखा पूर्व वीडियो को प्रथम लाइक कर दिंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु तेरे देशर 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं 48 लाख पेंशनभोगी मान खुशी खबर कर्मचारी महंगा भत्ता डीए वृद्धि एवं डीआर वृद्धि नहीं केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा करछन्ते जहाँकि चलित बर्ष केन्द्र सरकार कर्मचारी को डीए एवं डीआर वृद्धि उपरे घोषणा करछन्ते केन्द्र सरकार कर्मचारी दरमा वृद्धि करिपारंती वर्तमान कर्मचारी डीए एवं डीआर वृद्धि पर योजना करोना महामारी समय देखा अर्थनैतिक संकट परिस्थिति को दृष्टि रखी केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता बंद कर किंतु होली पूर्व कर्मचारी देवाक सरकार प्रस्तुत कर तेबे कर्मचारी महंगा भत्ता वृद्धि उपरे सरकार रोक लगे केन्द्रीय कर्मचारी मानक केन्द्र सरकार 70% डीए प्रदान करती तेबे सरकार एथर यह 4% वृद्धि करबे बोली आशा करा जाउछि। एभली परिस्थिति रे 65 लाख केन्द्रीय कर्मचारी 81% डीए पाइबे सरकार यह योजना करछंती समस्त योजना सफल हेले सरकार होली पूर्व कर्मचारी मानकु डीए एवं डीआर वृद्धि उपरे घोषणा करिपारंती एभली परिस्थिति रे कर्मचारी माने सरकार को आनुष्ठानिक घोषणा को अपेक्षा करछंती सहित आगामी यूनियन बजेट 2021-22 रे मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी को पाई केतेक सुविधा बा छाड़ा घोषणा करिपारंती बोली कर्मचारी माने आशा करछंती।